हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विपनिक लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 खुश हूँ अभी फ़िलहाल। तो आज तो दीदी नहीं आई है, दीदी कहीं गई है किसी को देखने के लिए। तो आज जो है मेरा कमर टूटने वाला है, बट थोड़ा बहुत काम कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना बॉडी में ना चर्बी जम जाएगा। धीरे धीरे मेरा जम ही रहा है, सही में बहुत आलसी हो जा रही हूँ दिन ब दिन। तो फिर मैं सोच रही हूँ, ऊपर से ना मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती, योगा नहीं करती। अब आप सोचो, मेरा एक बेबी हुआ है न्यू, तो मुझे कितना एक्सरसाइज और योगा की ज़रूरत है। बट मैं कुछ भी नहीं करती, करना पड़ेगा मुझे, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइज, मैं अच्छे से मॉपिंग कर रही हूँ, मेरे बेड के नीचे बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि मैं मॉपिंग स्टिक एकदम से अंदर तक घुसा देती हूँ, जिससे कि ना गंदगी हट जाए। मुझे बेड के नीचे गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सीरियसली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दो अमरूद है, वो चाचा जी ने बहुत दिन पहले दे रखा है, वो खाते खाते बस दो ही बचा है फ़िलहाल, तो वो दो को भी मैं खा ही लूँगी जैसे तैसे। अकेले तो खा नहीं पाऊँगी एक साथ सारे, तो एक एक करके ही खा रही हूँ मैं। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, आप भी थोड़ा बहुत खा लेना, बट पता नहीं क्यों नहीं खाते। इधर मैंने मिरर को भी साफ़ कर लिया है, डस्टिंग का मतलब एक तीर पे दो निशाना। मैंने एक हाथ में ले लिया है डस्टिंग का कपड़ा और एक हाथ में ले लिया है मॉपिंग, तो बहुत ईजिली हो जाता है। एक तरफ आप पोछा लगाओ, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा गंदगी दिखता है, मॉपिंग डस्टिंग कपड़ा लो और सीधा वहाँ पे डस्टिंग कर दो। तो इधर जो है ना, टेबल को मुझे डस्टिंग करना है। टेबल बड़ा गंदा होता है मेरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें रखे रहते हैं, जैसे माधव का दूध का बोतल, खिलौना वगैरह, ये सब। तो मेरे बच्चे का खिलौना तो यहाँ पे ही रहेगा, इसकी जगह यही है। और आ गई हूँ मैं किचन में, अभी कुछ बर्तन हैं उनको धोना है, थोड़े ही बर्तन हैं। कल रात को सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, बस सुबह के थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, जैसे चाय वाय के जो हमने पिए थे चाय, तो उसी का बर्तन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और रात को तो मैंने सारे बर्तन धो के ही रखे थे, और मुझे ना रात को बर्तन धो के रखना ही पसंद होता है, क्योंकि ना यार अच्छा लगता है, और सुबह एक ना अच्छा वाला फ्रेश फील होता है कि चलो सारे बर्तन धुले हुए हैं, किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। सुबह उठ के ना एकदम मूड फ्रेश हो जाता है कि यार कब बर्तन धुले हैं और अभी मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। जैसे कि आज मेरे बर्तन धुले थे, तो मैं काफ़ी कुछ सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, जैसे कि चना बनाया, चने की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाया, उसके बाद बहुत कुछ बनाया मैंने, उसके बाद चाय बनाया है, कुछ पकौड़ा था वो बनाया है। तो आज सुबह का नाश्ता हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मस्त था, हेल्दी था। किचन अगर नीट एंड क्लीन है ना सुबह सुबह उठ के, तो अच्छी पॉजिटिविटी आती है। और इतना मेस रहता है तो तब बड़ा गंदा लगता है और गुस्सा भी आता है सबसे ज़्यादा। तो देखो, इधर मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है, किचन मैंने साफ़ कर दिया है। मेरा ना किचन में कम से कम एक घंटा तो लग ही जाता है, मतलब मैं बहुत डीपली तरीके से किचन को साफ़ करती हूँ, और मुझे डीपली तरीके से साफ़ करना भी पसंद है एकदम। मुझे ऊपर ऊपर से काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, करना है तो डीपली करना है, नहीं तो मत ही करो, तो ही बेहतर। फिर क्या होता है, दो दिन बाद फिर से साफ़ करो उसी जगह में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोज़ ही साफ़ करती हूँ, डीपली करती हूँ, जिससे कि नया रहे। और मैं आजकल कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दीदी करती है, तो इस बहाने आज मैंने कर दिया है थोड़ा डीपली। दीदी तो ऊपर ऊपर से करके चली जाती है, और क्योंकि उनका भी बहुत काम रहता है, जल्दी जल्दी करना होता है, घर जाना होता है, इसलिए डीपली वो कर नहीं पाती है, तो इसलिए फिर मेरे को करना पड़ा है आज। दीदी आई नहीं है, जिस दिन दीदी नहीं आती उस दिन मेरे को डीपली करना पड़ता है सब कुछ। और दीदी ऐसा नहीं है कि दीदी करती नहीं है, बहुत अच्छा काम करती है, दीदी भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही ज़्यादा, उनकी तो तारीफ़ भी कम पड़ जाता है, इतना अच्छा काम करती है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा उनका काम लगता है, क्योंकि उनको जो भी बोलती हूँ मैं, एक्स्ट्रा काम जो भी बोलती हूँ वो दीदी करती है। और पहले वाली जो थी ना मेड, वो भी सही थी, लेकिन वो जो थी ना वो मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑडी थी। तो उनकी बात करके क्या फ़ायदा, अभी जो है मेरे साथ वो बहुत अच्छी है, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ देखो, मैंने अभी सिंक को भी धोना है मुझे, और
मेरा किचन थोड़ा मेसी लग रहा होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को। अब मैं कर नहीं पाती हूँ, अभी मुझे जल्दी जल्दी अपना काम काज करके थोड़ा आराम करने का मन करता है, तो वही उसी में लग जाती हूँ। उसके बाद एडिटिंग का काम, इधर उधर के काम लगे रहते हैं, तो इसलिए मन ही नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डीपली क्लीन कर ही लेते हैं, और ऊपर से मन भी थोड़ा अच्छा है आज, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है, गर्मी नहीं लग रहा है। यहाँ पे खिड़की में ना पूरा गंदगी जम गया था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूँगी, एकदम क्लीन करके रखूँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का दराती और कितना सारा सामान रखा है, तो मैंने कहा ये सब हटा दो और तुम्हारे काम काज का जो जो है वहाँ से ले जाओ। और यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा के साफ़ कर दे रही हूँ, और मुझे काफ़ी सारे सफाई करना है, काफ़ी सारा सफाई। मतलब आज बहुत अच्छा दिन भी है, अच्छा दिन मतलब मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो इसलिए मैं ना अपना जो मूड भी है वो फ्रेश भी है। और जब गर्मी होती है ना ऑटोमेटिकली बहुत गर्मी लग जाता है। तो चलो अभी हम लोग ना, मेरा उधर का पोछा लग गया है, अभी बस मुझे किचन पोछा करना है, और मैं बाहर जाके कुछ इधर उधर के चीज़ें धोने हैं वो भी धो लेती हूँ। तो किचन मेरा क्लीन हो गया है, और आज शाम को ना मैं ये पेड़ लगा दूँगी, मैं जो पौधा लेके आई थी ना मनी प्लांट वाला, तो अरबी वाला, मनी प्लांट नहीं, अरबी मनी प्लांट, तो वो मैं लगा दूँगी शाम तक, क्योंकि वैसे बोतल में रखूँगी ना तो वो वैसा ही रखा ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए आज मैं लगा ही दूँगी, या तो मेरे हस्बैंड को बोलूँगी या फिर मैं लगा दूँगी। और मेरे हाथ का लगाना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बोलते हैं तुम जैसे तैसे लगा ही देती हो, बट उनको एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगवाना है हर चीज़ को। वैसे उनके हाथ का हर चीज़ बच भी जाता है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पहले इस गमले में कलर करूँगा, उसके बाद इसमें फूल पेड़ या जो भी है वो लगाऊँगा, उससे पहले नहीं। तो मैं भी बोलती हूँ ठीक है यार, आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करें। तो देखो गाइस, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने अपना घर जो है नीट एंड क्लीन कर लिया है। अभी कुछ कपड़े हैं वो लेके आई हूँ, अभी मुझे धोना है, मशीन में नहीं धोऊंगी मैं हाथ से ही धोऊंगी, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो मशीन में धोने से टाइम वेस्ट होगा मेरा, बस और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत हेल्प करके देते हैं मेरा, और वो कितना हेल्प करेंगे यार, बहुत ही हेल्प करते हैं। और इधर मैंने अपने सारे कपड़े भी धो दिए हैं।